फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं ये टेट मेडिकल का जो है पेपर सॉल्व क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये 2013 का है। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो है बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम आप जो भी वीडियोस डालते हो उनकी नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलती है, तो फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मे बी, या तो आपकी साइड से या मेरी साइड से। तो मैं तो खुद आज जब भी वीडियो अपलोड करूँगी वो चेक कर लूँगी, बट अगर आपकी साइड से हैं तो आप जो है बेल आइकन पे टिक जरूर करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन पे टिक नहीं किया है तो अपडेट नहीं मिलता है। तो उसको देख लें, या यूट्यूब सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन का आइकन जो है ऑन कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें। 2012 का मैंने पहले ही डाला था, तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को मिली नहीं होगी नोटिफिकेशन, जिसकी वजह से वीडियो वो कम ही बच्चों ने देखी है। बट आज 2013 का ये सॉल्व क्वेश्चन लेके आई हूँ, और साथ में इसके बाद मैं 2014, 16, 18 जब भी पेपर हुए हैं वो सभी में डालूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इनमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का इनमोस्ट लेयर कौन सी है? तो सबसे पहले आपको ह्यूमन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन आई। ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो ये है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। तो जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम रेटिना बोलते हैं, रेटिना। तो यही ऑप्शन में था, रेटिना, उसके बाद गोराइड आती है, उसके बाद स्क्लीरा आती है। तो आउटर मोस्ट लेयर स्क्लीरा है। स्क्लीरा को हम वाइट ऑफ द आई भी बोल देते हैं, वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो फ्रंट में जो है हमारे पास जो है एक्वस चैम्बर है, विट्रस चैम्बर बैक में होता है, और कॉर्निया है, उसके बाद पिपल आता है, उसके बाद लेंस है, उसके बाद इरिस है। तो ये स्ट्रक्चर वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो है क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा था, आई की डायग्राम दे रखी थी और आपको ए बी सी करके बताए पूछे गए थे कि यहाँ पे जैसे ए लिख दिया उन्होंने, ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, आपको पूछा होगा कि बी नंबर पे कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आई का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कॉर्निया, उसके बाद पिपल, उसके बाद लेंस, उसके बाद इरिस, और फिर विट्रियस चैम्बर है, फिर उसके बाद रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर, एंड स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर, कोरॉइड इज द मिडल लेयर। तो इसमें जो है कुछ एक जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फंक्शन पूछे ले जाते हैं। अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस वन इज द पिपल, दिस वन इज द स्क्लेरा, एंड दिस वन इज द सॉरी ये वाइट पार्ट है, दिस वन इज इरिस। ठीक है, वाइट पार्ट ऑफ द आई जो है वो इरिस होता है। तो हम अगर कॉर्निया का देखें, कॉर्निया होता क्या है, दिस वन इज द कॉर्निया। यहाँ लिखा है इट स्प्रेड ओवर लेंस, पिपल एंड इरिस। तो ये सभी पे स्प्रेड हुआ पड़ा है, फैला पड़ा है, जैसे पिपल, लेंस, इरिस, सभी के ऊपर स्प्रेड हुआ पड़ा है। तो ये क्लियर हो गया। और ये करता क्या है, इट रिफ्रैक्ट द लाइट दैट एंटर द आई। जो आई हमारे जो लाइट हमारी आई में एंटर करती है उसको रिफ्रैक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज इरिस, दिस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। जो हमारा कलर्ड पोर्शन है आई को उसको इरिस बोलते हैं, और वाइट पोर्शन को हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो इरिस का क्या काम होता है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। ये साइज जो है कंट्रोल करता है पिपल का। नेक्स्ट स्टेप रेटिना, रेटिना क्या होता है, जहाँ पे जितनी भी इमेजेस, जो भी इमेजेस बनती है वो कहाँ पे बनती हैं, रेटिना में बनती हैं। नेक्स्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंट एंड कन्वेक्स लेंस, कनकेव नहीं होता, कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है ह्यूमन आई में। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन थे जो आई से रिलेटेड थे जो मैंने सॉल्व किए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। तो इसका जो है इनमोस्ट लेयर है रेटिना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होता है, जब आप पता है जब आप एक हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटनों में जो क्रैम्प्स जो आ जाते हैं, मतलब दर्द बहुत होती है, तो किसकी वजह से होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो ये होता है एड्रेनल, एड्रेनल हार्मोन जो है तब रिलीज होता है जब आप जो है बहुत ही नर्वस होते हो, बहुत ही डरे हुए होते हो, तो उस टाइम पर जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट है फिल्टर फीडिंग इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम, किसको नेम दिया जाता है, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मेनली होते क्या है, इट इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉइलिड ऑर्गेनिक मैटर। तो लिक्विड और सॉइलिड के इंजेक्शन में को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूज्ड ज्वाइंट लेग्स फॉर लोकोमोशन। तो ये है हमारे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो है जो ज्वाइंट लेग्स है वो लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं। इसमें एग्जांपल है क्रैब्स, स्पाइडर, इंसेक्ट, सेंटीपीड। और एक और बात कि आर्थ्रोपोडा जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की। ठीक है, तो क्रैब्स, स्पाइडर, सेंटीपीड,
ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट है द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, वो है मलस्का। मलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है और अर्थ्रोपोडा इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट। अगर आपसे जैसे इसमें पूछा गया था कि ज्वाइंट लेग्स फॉर लोकोमोशन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है अर्थ्रोपोडा का। अगर आपके से जो है पूछा जाए सेगमेंटेड बॉडी किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो वो होता है एनालिड। एनालिड में एग्जांपल आते हैं जैसे लीच एंड अर्थवॉर्म। तो ये इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था आई थिंक, हाँ टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि लीच जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एनालिड में आता है या अर्थ्रोपोडा में, तो वो एनालिड के अंदर आता है, वो एनालिड्स होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय, रेस्पिरेशन किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो ये है हमारा मेडोला, मेडोला मेडोला ओब्लोन गटा के थ्रू जो है ये कंट्रोल्ड होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है ये, तो जो हमारा मेडोला ओब्लोन गटा जो है एक पोर्शन है हिंड ब्रेन का पोर्शन है जो कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक फंक्शन को, या इन्वॉलंटरी एक्शन बोल सकते हैं, विच इज़ नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे ब्रीथिंग हुआ, डाइजेशन हुआ, हार्ट हुआ, ब्लड वेसल फंक्शन हुआ, स्वेलिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ। तो ये जो है जैसे इसमें जो है ये फंक्शन किसी में पूछ सकते हैं, जैसे उसमें रेस्पिरेशन को पूछा है, आपको डाइजेशन का भी पूछ सकते हैं, हार्ट का भी पूछ सकते हैं, ब्लड वेसल किसी भी कोई भी वहाँ पर दे रखा होगा कि किसके अंडर आता है, तो वो होता है मेडोला एब्लोन गटा के थ्रू। और जो रेस्पिरेशन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आती है, सेंट्रल कंट्रोल करती है उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लीन इज रेफर टू एज, स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्यों बोलते हैं, कि जो ये जो है इट रिमूव्स ऑल जो ओल्ड हमारी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, और आयरन के रिसाइकल में भी हेल्प करती हैं। जो आरबीसी जो होती हैं वो एवरी 4 मंथ जो है रिन्यू होती हैं, तो ये जो है ओल्ड वन को रिमूव कर देती हैं, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यह है जीन क्रोमोसोम एंड जीनोम, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिम्स व्हिच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्टर्नम, तो ये भी पूछ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो मैं आपको बता दूँ 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, और जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं रिब्स के वो अटैच होते हैं डायरेक्टली टू द स्टर्नम। मतलब स्टर्नम होती क्या है, ब्रेस्ट बोन होती है, तो इनको हम ट्रू रिब्स भी बोल देते हैं। और 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी की सारी फाल्स रिब्स हैं हमारी, बट जो 11th और 12th है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोल देते हैं। वैसे अगर फाल्स रिब्स का पूछते हैं फाल्स रिब्स कितनी होते हैं, तो 8 to 12 फाल्स रिब्स हैं हमारे पास। फाल्स रिब्स का मतलब होता है विच डजेंट ज्वाइन द स्टर्नम, जो नहीं ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट, तो ये है स्पोरोजोआ। और जो मेस्टिकोफोरा है ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ है, फ्री लिविंग फ्लैजिलेटर प्रोटोजोआ है ये, मेस्टिकोफोरा का पूछ सकते हैं। फ्लैजिलेटर प्रोटोजोआ पूछ सकते हैं, या नॉन फोटोसिंथेसिस प्रोटोजोआ फ्री लिविंग फ्लैजिलेटर, ठीक है। तो मेस्टिकोफोरा स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पीसीज एंड इट्स एनवायरमेंट, इसको बोलते हैं टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी तो अगर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसीज का पूछा जाए तो ऑर्टिकोलॉजी है, और सिनिकोलॉजी क्या है, ये है स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो वो आती है हमारी सिनिकोलॉजी में। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली ये स्टंटेड होते हैं। नेक्स्ट वन रोल ऑफ प्लेसेंटा का काम करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, तो ग्रास, इंसेक्ट, वर्ड, स्नेक, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन बैक्टेरियल सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज, ये है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ ए सुडोपोडिया, जो कि फाल्स फूड होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से जो है मूव करता है। नेक्स्ट वन है द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर, वो है ईकोलाई। व्हेन एन एनिमल हैज द करेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, तो उसको बोलते हैं जिनेंड्रोमॉर्फ, बीज द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन बींग एग्स आर एलेसिथल, एलेसिथल होता है विदाउट योक, तो अब मैं एग्स के बारे में आपको बता देती हूँ।
तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ योक। तो एक होते हैं माइक्रो, मिजो एंड मैक्रो। माइक्रो होता है स्मॉल अमाउंट, मिजो होता है मॉडरेट अमाउंट, एंड मैक्रो होता है लार्ज अमाउंट। तो जो माइक्रो लेसिथल है वो होता है सी अर्चिन और एम्फीऑक्सिस में पाया जाता है। मिजो लेसिथल है हमारा लग फिश, फ्रॉग और टोड में पाया जाता है। और जो मैक्रो लेसिथल है वो सबसे ज़्यादा जो है ये इंसेक्ट में, वर्ड, रिप्टाइल, एक्लिंग मैमल्स, बोनी फिश सभी में पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि इंसेक्ट में कौन सा एग होता है, तो वो होता है मैक्रोलेसिथल, और टॉड और फ्रॉग में मिजोलेसिथल होता है, और जो ह्यूमन एग वो एलेसिथल होता है। तो ये तीनों ही टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन है म्यूसिस इज बेस्ट ऑब्जर्वड इन डिवाइडिंग, ये है माइक्रोस्पोरोसाइट। नेक्स्ट है स्टडी फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग, उसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग द मेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। तो एक इसमें पोरोगैमी और चलेजोगैमी भी हैं, वो मैं टर्म समझा देती हूँ आपको। तो इसमें थ्री टर्म दे रखी है, एक तो सिंगोनोगैमी दे रखी है, तो वो होते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन विच मेल गैमेटल जो है वो मोटाइल होता है और पोलन टेम बनती ही नहीं है सिंगोनोगैमी में। अब हम करते हैं पोरोगैमी और चलेजोगैमी। तो अब मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ पोरोगैमी और चलेजोगैमी को समझने के लिए। पोरोगैमी होती है जब पोलन ट्यूब जो है एंटर करती है थ्रू माइक्रोपाइलैंड, माइक्रो दिस इज द माइक्रोपाइलैंड, और ये पोलन ट्यूब एंटर हो रही है ओव्यूल में, तो उसको बोल देते हैं पोरोगैमी। अगर ये हमारा चैलेजा है, अगर चैलेजा के थ्रू एंटर होती है पोलन ट्यूब, तो उसको हम चैलेजोगैमी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म है, पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल फ्रॉम माइक्रोपाइलैंड और ये थ्रू चैलेजा, तो ये होती है हमारी चैलेजोगैमी। नेक्स्ट वन है खुराना वाज अ वार्डन नोबल प्राइज किस लिए मिला था, ये है मिला था केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए। नेक्स्ट है विच इज़ रॉन्गली मैच्ड, ए एल्कोहल नाइट्रोजेनेसिस इज रॉन्गली मैच्ड। नेक्स्ट है मॉलिकुलर सीजर यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल, मॉलिकुलर सीजर के रूप में किसको यूज़ होता है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है मॉलिकुलर सीजर के रूप में यूज़ होता है। और जो डीएनए लाइगेज जो है वो डीएनए एज ए बाइंडर यूज़ होता है, क्योंकि ये दो डीएनए जो चेन है उनको जोड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो है स्टार्च। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ फंगस जो है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज़ यूज फ्रॉम, ये है पेपावर सोमनीफेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था, आई थिंक 2017 और 18 में भी पूछा गया है ये। नेक्स्ट है ए टेक्निक विच इन्वॉल्व डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन बिटवीन स्पेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाइल ऑन जर्नी अप इन द हिल्स यू मे कम अक्रॉस द थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइनस जिराडियाना, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन फ्रॉम सी लेवल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फूड मटेरियल इन एक्स एल्बुमिनस यूज सीड इज मेनली स्टोर्ड इन, ये है कॉटिलेडन। नेक्स्ट है वेजिटेटरी प्रोपेगेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट, क्यों नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि कैम्बियम जो है मोनोकॉट में अब्सेंट होता है वैस्कुलर बंडल में। तो ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है, सेकेंडरी जो डाइगोट है उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर इन द सॉइल, ये है प्लॉइंग। नेक्स्ट है इन मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट द क्लोजर ऑफ लीफलेट इज ड्यू टू प्रोसेस ऑफ नास्टिक मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाई बैक्टीरिया, तो ये है सिंथेसिस ऑफ विटामिन एंड इंटेस्टाइन, और सारे के सारे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, ह्यूमस फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन है इरोडेड सॉइल जो है क्या होती है, लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जो प्लांट न्यूट्रिएंट कम होते हैं उसको इरोडेड सॉइल बोलते हैं। कॉटन फाइबर किससे बने होते हैं, सेलुलोज के। स्पिरुलिना क्या है, एक सिंगल सेल प्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फ्रेश वाटर एल्गी, वो है क्लोरेला। नेक्स्ट है द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अनदर, वो होते हैं सीड, सीड में दो जनरेशन होती हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू, सॉरी प्लांट्स आर किल्ड इन वाटर फ्रॉस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि डेसिकेशन एंड मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रोसेस इन विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट, उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन।
नेक्स्ट है एक्वाटिक फर्न या वाटर फर्न जो है विच इज़ एक्सीलेंट वाई फर्टिलाइजर, वो है एजोला। एजोला जो है वाटर फर्न है हमारा। नेक्स्ट है प्लांट अडेप्टेड टू लीव पार्शली समर्ज्ड इन वाटर वाइल इन पार्ट ऑफ देम ग्रोज अबव द सरफेस ऑफ, कि आधा पार्ट वाटर के नीचे और आधा ऊपर, उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर इज यूज टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो वो होता है नॉइस। ग्रीन मफलर होता है जो ग्रीन प्लांट जो है हम रोड के किनारे लगाते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है कोयम्बतूर में, कोयम्बतूर में तमिलनाडु में है ये सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है सॉर टेस्ट ऑफ विनेगर इज टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, ये होता है एस्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज टू फिलो द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाई ईस्ट, ये है इथेनॉल। नेक्स्ट है वट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी, क्या होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स स्टेम के ऊपर, स्टेम के ऊपर जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होते हैं उसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एंडेमिक स्पेसिस कौन से होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, किसी और में नहीं पाए जाते, वो हैं मतलब जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया। नेक्स्ट है विच रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट आर कंजर्वड, सॉरी वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट आर कंजर्वड बिकॉज दे कैरी मैनी यूजफुल जीन्स विच मे बी लॉस्ट इन कल्टिवेटेड प्लांट्स। नेक्स्ट है विच इज रेफर्ड एज अ लंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ, लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ये है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ए स्पीसी, जीन फ्लो डजेंट अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसी, दिस इज द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वन प्रोसीड फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटीट्यूड, तो इस पे जो है स्पीसी डाइवर्सिटी जो है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन है एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी, उसको क्या बोलते हैं मैंथिक, बट इज़ द कॉमन अमंग सिल्वर फिश स्कॉर्पियो क्रैब एंड हनी बी, तो यह है ज्वाइंट अपेंडेजेस और ये सारे के सारे जो हैं कौन से हैं आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आगे भी पूछा गया था, एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ये माइक्रोविलाई ऑन देयर सरफेस। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम जितने भी टैटू हैं उनमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी का सेक्शन, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो मिल सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।